ले गए। अबे अंदर भी होगा, चल चल चल। मम्मी का ऐसा ना तो बोले बाप। हाथ ही पकड़ा हुआ दोनों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। गाइस शाम हो रहा है अभी और आज 26 तारीख की है सरस्वती पूजा का दिन। तो आज गाइस वहाँ जू का हम लोग का नया गेट बन रहा है, टाटा स्टील का जो जू है वहाँ उसका नया गेट बन रहा है सोनारी तरफ से। वो आज ओपन होने वाला है 3 बजे और अभी 2:30 बज के पार हो गया है। तो अभी निकल रहे घर से, चलो देखते हैं कितना बजे तक पहुँच जाते हैं। वहीं जाए पे जू फिर से देखने के लिए कैसा गेट बना है और जगह भी सुनने में हमारा थोड़ा चेंज हुआ है। चलिए निकलते हैं अभी। भटक करा के पहुंच गया। देखिए सन्नी के साथ आए। सन्नी ब्रो हाय, अरे पहुंच गया। देखिए ये देखिए नया वाला गेट, दो हाथी पकड़ा हुआ है पोल को, टाटा स्टील को। चलिए दिखाते हैं अभी अच्छा से घूम के अंदर तरफ, देखते हैं। अब तो शाम हो गया, 4 बजे के अंदर जाने ही देता है कि नहीं। ऐसा ना बोले बाप। अंदर तरफ पार्किंग है, देखिएगा इधर अंदर तरफ पूरा पार्किंग है इधर, और इधर से गेट है अंदर जाने का। बगल में देखिए बिल्डिंग है, पीछे मरीन ड्राइव। देखिए गाइस ये वाला नया टिकट काउंटर है यहाँ पर। देखिए सन्नी को लाइन में लगवा दिए हैं। वयस्क लोगों के लिए 30 रुपये लगेगा, बच्चे के लिए 20 रुपये लगेगा एंट्री। देखिए जैसा मैं पूरा फूल गाछ लगाया गया है टिकट काउंटर के सामने। ये पार्किंग एरिया है इधर, देखिए पूरा फूल गाछ। यहाँ टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क गाइस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है जू में। आज ही ओपन हुआ है, सुबह से चल रहा है, लेकिन हमको लगा था 3 बजे से चालू होगा ऐसा सुने थे हम, लेकिन सुबह से आज ओपन है। 26 जनवरी से इसको चालू कर दिया गया। चलिए अंदर जाके देखते हैं कुछ जगह प्लेसमेंट हुआ है कि वैसे ही है सब। गाइस एंटर हो गए हम लोग, एंट्री देखिए यहाँ पर ही टिकट दिखा कर अंदर आना है। देखिए यहाँ पर अंदर आते ही यहाँ गाड़ी उड़ी लगा हुआ है, अगर आपको गाड़ी से जाना है तो गाड़ी से जा सकते हैं, और अगर पैदल जाना है तो अपना 11 नंबर का बस पकड़ना है। ओहो नक्काशी तो बहुत अच्छा किया है भाई, देख रहा है वाइट टाइगर बना हुआ। चल ऊपर से दिखा के आते हैं इधर हम थोड़ा। देखिए गाइस इधर अंदर आने पर इधर दीवार में पूरा बना हुआ क्रोकोडाइल, बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है। इधर एक हिप्पोपोटामस जेब्रा, तो टाइगर लायन, ये कौन है लकड़बग्घा, ये वाला देखिए ये वाला ड्राइंग सबसे मस्त लग रहा। उस दीवार पर भी कुछ कुछ था। देखिए पूरा फूल लगा हुआ है इधर अंदर, देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है जूलॉजिकल पार्क के बारे में। तो देखिए पूरा फूल पॉन्ड है पार्क फोटो खिंचाने के लिए। चल ये वाला नया बना ना एरिया बना रहा है। देखिए अंदर कितना भीड़ है, अभी भी सब लोग जा रहे हैं बाहर और हम लोग आ रहे हैं। थोड़ा देर बाद हम लोग भी जा रहे हैं क्या, थोड़ी बात गाइस हम लोग भी आते हुए नजर आएंगे। गाइस देखिए हम लोग इधर अंदर तो आ गए हैं। देखिए ये सब जगह में पूरा खाली है, सब अभी तक तो पूरा अच्छे से बना नहीं है। देखिए बन रहा है, जाली लगा हुआ है, सब लगता है शिफ्ट करें सब जगह सिर्फ बना के। ये तो भालू है, भालू है, भालू है, चलिए भालू देखते हैं। गाइस हो रहा भालू 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 तो भालू अंदर चल जा रहे हम लोग आए तो बहुत भालू लेट गया गाइस, खेल रहा भालू। ओहो हो देखने के लिए देखिए सब शेर के पास आ गए। देखिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ शेर का यहाँ पर, पूरा कितना किलो होता है, 300 किलो होता है, कितना किलो लिखा हुआ था, 250 किलो। कहाँ है शेर, ओ देख देख रहा है ऐसे बैठा हुआ राजा जैसे। देख रहा है इसी यही
छोटा सा जगह के चलते सन यहाँ नहीं पा रहे, तो अभी आँख तेरे को लपक लेता क्या। देख रहा ना कैसे देख रहा, तेरे को ही देख रहा है। खतरनाक जानवर, दिखने में भी उतना ही खतरनाक। कितना बड़ा है सनी, देख रहे कितना बड़ा है। खड़ा हो जाएगा ना पूरा दो पैर में, खाली बन जाएगा। दो ढोने और है, कहाँ कहाँ है, अंदर तरफ होगा। देखे बाघ मस्त दिख रहा है, बहुत बड़ा। कैसा लगा सनी बाघ देखे तब? सनी पहली बार बाघ देखा, बहुत संतुष्टि हुई है। पहली बार मैंने जिंदगी में पहली बार बाघ, फोटो में भी नहीं देखा। गुर्राने का आवाज आ रहा, शेर कैसे गुर्रा। अरे हाँ तो सनी आना, डिस्टर्ब हो जा रहा है, इसी के लिए यहाँ से वहाँ हो रहा है। डिस्टर्ब हो जा रहा था उसका, ये जगह तो बैठ जा रहा हूँ। रहा लड़ेगा भाई, लड़ेगा लड़ेगा, तुमसे लड़ेगा। दे दो क्या है सार्क है? कौन सा सार्क बोला? गाइस अभी आए हम लोग बर्ड्स देखने के लिए यहाँ पर ही। रोजी पेलिकन इसका नाम है, रोजी पेलिकन। कहाँ कछुआ है? अरे ना पत्थर को पकड़ ले दो तो। देखिए रोजी पेलिकन देख नहीं रहा अच्छा से। देखिए ऊपर में कछुआ भी रखा हुआ है। वाइट रोज, रेड, पिंक, ये वाला है पूरा रेड। लुकड़ लुकड़ बंदा खाना नहीं देता क्या? चल चल के ये तो उल्लू सो रहा भाई सनी, सही सुना है तो मुझे दिन में सोता है। बात है खोला खोला इसको बोल रहे ईगो हट हो जा रहा है उसके। बताओ ये बंदर को नींद में मोटा लग रहा है ठीक ना। और देखो बड़ा मेहमान तो महंगा हो जाता है, बढ़िया मिल गया। हाँ लिखा हुआ तो काला सफेद
इतना सोवर फिर बन भाई हैं सात को है नाइन को है भाई वो यहाँ है ना कैसे तो बगैर माने जाकर तो कैसे सोवर फिर गाइस पूरा घूम लिए हैं और अभी निकल रहे हैं एग्जिट की तरफ पहुंच चुके हैं। देखिए एग्जिट में मतलब एंट्रेंस और एग्जिट एक ही है, पूरा फूल वूल है। कौन सा देखिए सब लोग यहाँ पार्क जैसे खेल रहे हैं, ज़्यादा दिन दूर नहीं हुआ सोचो फोटो खिंचा रहा है, घास को भी ये कर देगा। इधर में बहुत अच्छा बना हुआ, इधर में पूरा सब जगह फूल ही फूल रखे हैं, लेकिन इस पर सब जगह पूरा फूल ही फूल है। फूल भी तोड़ लेगा नहीं, ज्यादा दिन दूर नहीं है, घास को भी सुखा देगा लोग बैठ बैठ के। चलिए 5 बजे हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से घर की ओर। घर की ओर कुछ खाए भी नहीं, आइसक्रीम भी नहीं मिला रास्ता में, हम लोग दूसरा रास्ता से आगे भाई सनी के घर पहुँच गए हैं। पूरा जू घूम लिए, मज़ा आया। जू घूमने में हमेशा मज़ा ही आता है, जानवर देखने में आँख से देखने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, फ़ोन में तो उतना अच्छा समझ नहीं आता, लेकिन आँख से एकदम हम लोग का कितना मेगापिक्सल का कैमरा 576 की कितना। चलिए इस ब्लॉग कहीं पर एंड करते हैं, सनी को घर छोड़ दिया है, इस ब्लॉग कहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।